हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। केजरीवाल की नई शराब जो नीति है ये उसको लेकर बीजेपी के आज का दिल्ली कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। दिल्ली की 12 जगहों पर चक्का जाम किया गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में, बाकी जो सांसद हैं दिल्ली के उनके नेतृत्व में अलग अलग 12 जगहों पर आज दिल्ली के चक्का जाम किया गया और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही कहा कि केजरीवाल को अपनी शराब करी जो नीति है, जो नई नीति लागू हो चुकी है जिसमें नए ठेके खोले जा रहे हैं, उनको वापस ले लेना चाहिए। जो दिल्ली के युवा है वो शराब की तरफ आगे बढ़ेंगे। आबकारी नीति से कितनी हमारी बहनें विधवा हो जाएंगी, कितनी माताएं हमारी परेशान होंगी, लोग नशे के अंदर अपने बीवी बच्चों को पीटेंगे, शिक्षा के अंदर कोई आगे नहीं आएगा। केजरीवाल तो चाहता ही यही है कि दिल्ली के लोगों को नशे में कर दिल्ली के लोगों को बर्बाद करना चाहता है। पहले ही दिल्ली सरकार उम्र कम कर चुकी है, इसके बाद अब नए ठेके खोले जाना दिल्ली को शराबी दिल्ली बनाने की ओर एक कदम है। साथ ही हम आपको बता दें कि हमारी टीम भी दिल्ली के प्रीतमपुरा मधुबन चौक इलाके में पहुंची। वहां हमने बातचीत की कार्यकर्ताओं के साथ। अब ये देखने वाली बात होगी क्या निकलकर इस मामले में आगे सामने आता है। आप देखिए हमारी टीम की स्पेशल रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या इस पूरे चक्का जाम के बारे में? हमारा चक्का जाम सफल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मधुबन चौक को जाम कर दिया है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक केजरीवाल इस आबकारी नीति को वापस नहीं लेंगे हम इतनी आसानी से गिरफ्तार होने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के, अगर दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना चाहती है, यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, पुलिस अपनी बसें लेकर आए और हमें गिरफ्तार करे, वरना हमारा रात तक यहाँ पर हम बैठे रहेंगे, हिलने वाले नहीं है। पुलिस अपनी व्यवस्था देखे। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, हमने कोई हिंसा नहीं की है और जिस प्रकार से कुछ लोगों ने यहाँ आकर शरारत करने का काम किया है उनको हमने खदेड़ा है। दिल्ली पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली पुलिस चाहती है कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन आराम से चले तो हमें अपने काम को जारी रखना चाहिए। हम लगातार केजरीवाल के खिलाफ इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। कहना चाहेंगे आप इस पूरे चक्का जाम? चक्का जाम हमारा सफल रहा और इस हमारी नीति जो हम दिल्ली सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ये जो शराब की नीति दिल्ली के अंदर चलाई गई है कि फ्री फ्री सब कुछ हमारे देश को निकम्मा बनाने की कोशिश की जा रही है, युवा को पथभ्रष्ट किया जा रहा है। अरे आपको खोलने थे तो फ्री में जूस कॉर्नर खोलते ताकि लोगों को सेहत का कुछ राज दिखाई देता, लेकिन आपने दिल्ली को बर्बाद करने की पूरी जो रणनीति तैयार की है उसे हम बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। पुरजोर विरोध करते हैं आपकी शराब की नीतियों का। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज जब तक ये जाम करेंगे, जब तक ये अपनी नीति वापस नहीं लेते हैं, हम लोग आज सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं और हमारे अध्यक्ष जी पूरा संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि ये चक्का जाम हमारा सफल हो, सफल करके छोड़ेंगे और इनकी नीतियाँ हम स्थगित करेंगे। शराब ने पहले ही हमारे देश में इतना बवाल मचा रखा है, हर घर घर में आप देखते हैं शराब की वजह से रोज लड़ाई झगड़ा होता है घर घर में, और केजरीवाल जी ने ये नीति जो लागू की है और उसके वजह से और हमारे घरों के बच्चे और ज़्यादा शायद बहुत बुरा हाल हो जाएगा दिल्ली के अंदर अगर ये सब कुछ नहीं अभी बंद किया गया। तो बस हम लोग इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि इस चीज़ को बदला जाए, इसको ठेकों को बंद किया जाए। हर गली के नुक्कड़ पे मतलब कोने कोने पे आज शराब के ठेके खोल दिए गए हैं जो नहीं होना चाहिए था ऐसा। दिल्ली पुलिस के रवैये के बारे में क्या कहना है? देखिए दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। गिरफ्तारी आई जो आपके सपोर्टर्स के बारे में सबसे बड़ी गिरफ्तारी।